गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ अमन, आई एम फ्रॉम बीपीएड फर्स्ट ईयर फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेंथ एंड डायमेंशन ऑफ लॉन टेनिस कोर्ट. सो फर्स्ट इज आवर लेंथ एंड विड्थ ऑफ लॉन टेनिस कोर्ट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, तो लॉन टेनिस कोर्ट की जो लेंथ होती है टोटल 78 फीट बाई 36 फीट होती है, जिसमें डबल्स आती है, जो होती है 78 फीट बाई 36 फीट, लेंथ 78 और विड्थ 36 फीट. अब इसकी हमारी जो सिंगल्स की साइड, सिंगल्स की जो विड्थ होती है वो होती है 27 फीट. अब इसकी जो साइड गैलरी होती है वो होती है टोटल 4.5 फीट और 4.5 फीट टोटल 9 फीट. 9 और 27 हो गया टोटल हमारे 36 फीट, जैसा हम बताए थे पहले. तो अब इसकी ये जो सर्विस लाइन होती है बीच में, इसको कहते हैं हमें सर्विस लाइन. और सर्विस लाइन से ये जो बैक बेस लाइन होती है इसकी हमारी लेंथ होती है 18 फीट. इसकी लेंथ कितनी थी? 18 फीट. और जो इसकी बीच में दो होती है हमारी सर्विस लाइन, दो पार्ट में डिवाइड है, जिसको एक कहते हैं लेफ्ट सर्विस लाइन और दूसरे कहते हैं ड्यूज सर्विस. तो ड्यूज सर्विस की जो ड्यूज और सर्विस एरिया जो होती है लेफ्ट वाली, दोनों की लेंथ होती है 21 फीट और विड्थ होती है 13.5 फीट. इसकी भी लेंथ होगी 21 फीट और विड्थ होगी 13.5 फीट. तो लेफ्ट की भी यही होती है, ड्यूज की भी यही होती है और दोनों साइड में ये सेम होगी. और इसकी बेस लाइन के बीच में एक होती है सेंटर मार्क. सेंटर मार्क, सेंटर मार्क क्यों दिया जाता है? सेंटर मार्क इसलिए दिया जाता है कि इसमें हम लोग को एक साइड से सर्विस किया जाता है और क्रॉस होता है. तो सबसे इसमें हम लोग क्या देखे, लेंथ एंड विड्थ ऑफ लॉन टेनिस कोर्ट और इसकी बैक गैलरी की लेंथ, सर्विस एरिया की लेंथ, सेंटर मार्क, ये सब देख लिए. सो ये था हमारा लॉन टेनिस कोर्ट डायमेंशंस, मेजरमेंट्स ऑफ लॉन टेनिस कोर्ट. सो अब हम आते हैं टेनिस बॉल एंड रैकेट मेजरमेंट. अब बॉल और रैकेट का क्या मेजरमेंट होता है, क्या साइज होता है, क्या विड्थ होती है और क्या इसकी डायमीटर होती है बॉल की, ये देखते हैं. तो सबसे पहले हम लोग बॉल पे आते हैं. तो बॉल की जो मेजोरिटी होती है उसकी 2.57 फीट इंच की जो होती है ना, ज्यादातर बॉल इंटरनेशनल में जो यूज होती है वो बॉल की डायमीटर होती है 2.57 इंचेस, ये होती है इंटरनेशनल में. इंटरनेशनल में अब इसकी जो मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा लेंथ की होती है वो होती है 2.700 इंचेस की. सबसे ज्यादा बड़ी बॉल जो मानी जाती है ये 2.70 की भी मिल जाती है, जो इंटरनेशनल में यूज नहीं होती, वो सिर्फ ऐसे ही लोग यूज करते हैं. अब हम आते हैं रैकेट की लेंथ पे. तो रैकेट की टोटल लेंथ हो जाती है जो हेड टू ग्रिप कहलाते हैं, हेड टू ग्रिप जो होती है वो होती है हमारी 27 इंच, जो हम लोग इंटरनेशनल और ज्यादातर लोग 27 पॉइंट इंच वाली हम लोग करते हैं यूज, ठीक है. अब 29 मैक्सिमम होती है, जो 29 इंच से ज्यादा की नहीं ले सकते, तो मैक्सिमम हमारी हो जाएगी 29 इंचेज की. तो ये हो गया हमारे टेनिस बॉल के रैकेट और बॉल की मेजरमेंट टेनिस की. अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ टेनिस कोर्ट. टेनिस कोर्ट के कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरह के टेनिस कोर्ट होते हैं जिसपे हम खेलते हैं. तो पहला होता है ग्रास कोर्ट, दूसरा होता है क्ले कोर्ट, तीसरा होता है कार्पेट कोर्ट, चौथा होता है इंडोर कोर्ट. तो मेन मैच होती है वो हम लोग की होती है इंडोर कोर्ट में, जो इंटरनेशनल जो होती है हम लोग की मैच वो इंडोर कोर्ट में होती है. पहले हम लोग क्ले कोर्ट में भी खेलते थे और कहीं कहीं जब ग्रास कोर्ट होती है, जैसे किसी स्कूल वगैरह में हुई तो वो ग्रास कोर्ट पे या इस पर होती है. और कार्पेट कोर्ट जो आर्टिफिशियल किसी भी टाइम बनाया जाता है इमीडिएट किसी मैचेस के लिए या कोई भी फंक्शन के लिए, उसमें कार्पेट होती है. ये चार टाइप की हमारी कोर्ट हो गए जो टेनिस में हम लोग यूज करते हैं. अब सबसे लास्ट में हम लोग आते हैं फिटनेस वर्कआउट फॉर इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टेनिस प्लेयर. अब टेनिस प्लेयर अपने कैसे फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करे वाय फिटनेस वर्कआउट, जो फिटनेस वर्कआउट के लिए हम के द्वारा कैसे हम टेनिस के लिए फ्लेक्सिबिलिटी को हम अपना जनरेट करें और इम्प्रूव करें. तो इसमें सबसे पहला आता है हम लोग पुशअप्स कर सकते हैं. पुशअप्स, तो पुशअप्स हम लोग 10 से 15 रेप्स की हम लोग 4-5 मार सकते हैं, ये पुशअप्स हो गई. और सेकेंड हो गई हमारी प्लैंक. प्लैंक भी हम लोग 30 सेकेंड से 1 मिनट की 4-5 बार मार सकते हैं या जितना आपकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से, और डे बाई डे इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं. और हमारी ये थर्ड हो गई, ये हो गई हाई नीज. हाई नीज भी हम लोग कर सकते हैं 30 सेकेंड टू 1 मिनट की
चार से पांच सेट डेली कर सकते हैं। ये हो गई हमारी तीन, और चौथी हो गई हमारी फास्ट फिट, जो एट अ प्लेस जो हम लोग फास्ट फिट करते हैं उसको करते हैं। ये भी हम लोग 30 सेकंड से 1 मिनट तक की कर सकते हैं, 2 से 4 सेट। अब हमारे आगे हो गया लास्ट में हो गया स्क्वाट जंप। स्क्वाट जंप भी हम लोग 10 से 15 रेप्स की 4 से 5 सेट कर सकते हैं। ये कुछ हो गई हमारी फिटनेस वर्कआउट फॉर इम्प्रूविंग फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ टेनिस प्लेयर। इसमें हम लोग 4-5 पहले ले लिए, जो मेजर है पुशअप्स, प्लैंक, हाई नीज, फास्ट फिट और स्क्वाट जंप। तो ये सब हो गए हमारे फ्लेक्सीबिलिटी के लिए जो इम्प्रूव करता है। तो ये था हमारा कुछ टेनिस बॉल एंड रैकेट की मेजरमेंट और कोर्ट की मेजरमेंट, और ये हो गया हमारा फिटनेस वर्कआउट। तो सो ये सब था हमारा। थैंक यू।